G20 कल्चरल ग्रुप मीटिंग भुवनेश्वर में प्रारंभ हुआ है। इस संदर्भ में सारी भारत का हम गर्व महसूस करते हैं। प्रमुख सैंड आर्टिस्ट पद्मश्री सुदर्शन पटनायक जी ने एक कल्चर यूनाइट्स ऑल इस कॉन्सेप्ट पर एक बहुत बढ़िया आज G20 संदर्भ में G20 लोगों के साथ ओरिसा फेस के साथ आज एक अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ इस सैंड के द्वारा अच्छा आर्ट बनाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार सुदर्शन पटनायक जी का जो भी आर्ट एक्टिविटी करते हैं वो ट्विटर में एंकरेजमेंट करते हैं, सारी दुनिया को परिचय कराते हैं इस आर्ट को, इस ओरिसा का, इस सैंड आर्ट का, सुदर्शन पटनायक जी का काम को। इसलिए आज G20 संदर्भ में जो आज सुदर्शन पटनायक जी का कल्चर यूनाइट्स ऑल का नाम पर जो आर्ट वर्क किया है, हम भारत सरकार के ओर से आदरणीय पद्मश्री सुदर्शन पटनायक जी को फिर एक बार हम अभिनंदन करना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। इस काम बहुत खुशी की बात है। ज़्यादा लोगों को इस आर्ट वर्क को सिखाना चाहते हो और जो इंडिया का जिस सैंड आर्ट वर्क का G20 कंट्रीज का डेलीगेट्स को हम बता चुके हैं, आज आए हैं और ये भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आने वाले दिन में सुदर्शन पटनायक जी का जो भी वो हाथ में काम लेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से हम पूरा एंकरेजमेंट करेंगे। आगे ये क्या कार्यक्रम है G20 का? आज ही बोला अभी। ये आज से लेके 17 तक ये 4 दिन हमारे कल्चरल ग्रुप G20 मीटिंग्स होने वाला है। आज शुरुआत हुआ है और कल एग्जीबिशन भी है। उस एग्जीबिशन का उद्घाटन हमारे ओडिशा का मुख्यमंत्री आदरणीय नवीन पटनायक जी का उद्घाटन करेंगे। लगभग ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज से डेलीगेट्स आने वाले हैं, जो G20 कंट्रीज के साथ साथ 9 इनवाइटिस कंट्रीज का भी डेलीगेट्स आएंगे। उसके साथ सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनेस्को, ILO जैसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें भागीदार होंगे। उसके साथ 30 स्टेट्स का भारत सरकार, भारत के 13 स्टेट गवर्नमेंट्स के डेलीगेट्स भी, 30 डेलीगेट्स भी आएंगे। उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हमारे कल्चर मिनिस्टर का, अदर मिनिस्टर का भी डेलीगेट्स आएंगे। इस जो कॉन्फ्रेंस में, जिस मीटिंग्स में हम 4 दिन इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अलग अलग विषय पर जो कल्चर एक्सचेंज हो, कल्चरल प्रमोशन हो, कल्चरल प्रोटेक्शन हो, ऐसी अलग अलग विषय पर चर्चा करके देश भर में एक, दुनिया भर में एक पेपर तैयार करने का प्रयास करें। जो दिल्ली में मिनिस्टर्स मीटिंग होगा फाइनल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कल्चर का पार्ट भी रहेगा। उससे पहले जो वाराणसी में G20 कंट्रीज के फाइनल कल्चर मिनिस्टर का मीटिंग होगा, उस मीटिंग में डिक्लेरेशन का भी अप्रूवल होगा। सुदर्शन पटनायक जी का आभार प्रकट करते हैं कि हमें इस समुद्र के दर्शन कराए, ऐसी आर्ट के भी दर्शन कराए और G20 के जितने भी डेलीगेट्स आए हैं उनको भी ये ऐसी एक आर्ट है उसका पता लगाया और किस तरह से समुद्र यात्रा हम करते थे उसका जिक्र भी इसमें आया है। जय जगन्नाथ। गौरव विषय जे G20 कल्चर आम राज्य में आरंभ होई एवं विशेष कर महाप्रभु जगन्नाथंकर पुरी बेलाभूमि आरंभ कराई आम ओडिशार प्रत्येक कलाकार प्रत्येक नागरिक बहुत उत्सव एवं खुशीर दिन।
एवं आम संस्कृति आम परंपरा को भारत सरकार तरफ जो प्रयास करा जाई जे जी ट्वेंटी जो कल्चर यूनिट सेकेंड मीटिंग रे आम संस्कृति को प्रमोट करा तो ताकु नहीं आम इंस्टॉलेशन साइंस कल्चर क्रिएट करी जोटा कि मो एवं मो सहित आम स्टूडेंट्स मैंने क्रिएट कर मो भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय तरफ ये जो आयोजन करा जाएगी मोर कृतज्ञता ज्ञापन ऑनरेबल मिनिस्टर्स एवं एंटायर टीम आ सब बेले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एनकरेज करिसेंती जो साइंस कल्चर पाई एवं विभिन्न जगह मो ब्रिक्स समिट टू आरंभ करी विभिन्न प्लेटफॉर्म रे साइंस कल्चर क्रिएट कर जी ट्वेंटी आज एत बड़ सुजोग मिलता हेतु मो समस्त मोर कृतज्ञता ज्ञापन कर प्रणाम जनाऊँ जय जगन्नाथ।